अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं, खैरियत से आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैर हाफिज़ से होंगे। जो आज की वीडियो है वो है भाई, जानवर का थन कम हो जाए तो आपने करना क्या है, तो उसमें आपने कौन सा मसाला देना है, आपने क्या करना है, और थन का जो दूध कम हो जाता है बाद अगर एक थन में, यानी कि जो 1.5 किलो दूध देता था एक थन, वो 1.25 किलो देना शुरू करके अचानक कम हो जाता है, तो इसमें आपने घरेलू मसाला है, घरेलू टोटका है, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं खुद अपने फार्म पे इस्तेमाल करता रहा हूँ और करता हूँ, और दोस्तों को भी करवाया है, माशाल्लाह काफ़ी फ़ायदा हुआ है। तो चलें जी, आपको दिखाते हैं ये वाला दूध का जो थन का जो मसला होता है दूध कम करने का, दूध कैसे पूरा किया जाए। तो चलें जब वीडियो स्टार्ट करते हैं आपका टाइम ज़ाया किए बगैर। बस अच्छा जी, ये है मेरे हाथ में लहसुन, तो इसका भी यही तरीक़ेकार है। आपने क्या करना है, एक जानवर के लिए 1.5 पाव लहसुन लेना है, और 1.5 पाव लहसुन लेने के बाद इसके अंदर आपने तकरीबन 1.5 पाव के करीब या 150 से 200 ग्राम भी ले लें तो कोई इशू नहीं है, आपने नमक लेना है 200 ग्राम और आपने इसको कूट लेना है। तो कूटने के बाद जो है वो आपने इसको नमक के अंदर मिक्स करना है, नमक के अंदर मिक्स करने के बाद आपने ये दे देना है अपने जानवर को, कंटिन्यू 3 दिन तक आपने देना है, सुबह में भी और शाम में भी। तो सुबह में भी देंगे और शाम में भी देंगे, उससे फ़ायदा ये होगा कि आपका जो जानवर है वो माशाल्लाह जल्दी रिकवर हो जाएगा। जो आपके जानवर का अगर थन पूरा होना हुआ, आप में नसीब हो, आपके नसीब में पूरा दूध लेना हुआ, तो इंशाल्लाह ज़रूर होगा, क्योंकि हम करते हैं, हमारे जानवरों के थन पूरे हुए हैं, तो मेरा खुद का ज़्यादा तजर्बा है, तो ये लाजमी पूरा हो जाता है। और इसके अलावा एक और नुस्खा आपको दे देता हूँ इसके साथ साथ। अब जैसे ये लीमू है, ये लीमू है, ये लीमू आप ले लेना है, ये लीमू किस काम आना है, ये लीमू का आपने जो है ना कट कर लेना है, बीच में से 4 पीस बना लें या 2 पीस बना लें एक लीमू के। तो उसमें आपने करना ये है कि लीमू को कट करने के बाद इसके अंदर भी आपने नमक ऐड करना है। एक जानवर के लिए 1 से 1.5 पाव लीमू काफ़ी है, तो उसमें 1.5 पाव लीमू ले लें, 1.5 पाव लीमू के अंदर आपने नमक ऐड करना है थोड़ा। अच्छा जी, नमक के बाद आपने इसके अंदर ले लेना है 1 पाव चीनी भी ऐड कर सकते हैं। तो इसका मैं आपको बताता हूँ फ़ायदा, इसका फ़ायदा ये है कि इसको आप क्यों देंगे, किस वजह से देंगे, ये साड़ू में भी काम करेगा, आपके साड़ू होगा तो साड़ू भी इससे इंशाल्लाह ख़त्म हो जाता है, क्योंकि एक मेरा खुद का ज़ाती तजर्बा है, एक मेरे पास गायें थी वो रोज़ाना साड़ू कर लेती थी दोपहर की चुवाई में, जब हम 3 बजे चुवाई किया करते थे, कराची की बात है ये। तो मैं क्या करता था, उसको फौरी तौर पर मैंने घर के अंदर काफ़ी सारे लीमू स्टॉक में ला के रखे हुए थे, फ़ौरन मैंने लीमू कट करना है, लीमू कट करने के बाद हमने उसके अंदर नमक ऐड करना, उसमें चीनी ऐड नहीं किया करता था। तो क्यों, क्योंकि उसका साड़ू था, तो साड़ू में आप नहीं ऐड करेंगे, छीछड़े वगैरह आते हैं तो उसमें आप भले ऐड कर सकते हैं चीनी। तो इसको मैं फिर अपनी गाय को ये दिया करता था, तो माशाल्लाह इससे यानी कि फ़ौरन गाय 1.5 से 2 घंटे के अंदर रिकवर हो जाती थी, और दूसरे तीसरे दिन अक्सर वो यही सीन होता था उसके साथ, मैं रोज़ाना फिर यही देने लग गया, तो उससे माशाल्लाह काफ़ी हद तक साड़ू गाय का सही हो गया था। तो उसके कभी अगले थन में, कभी पिछले थन में, कभी साइड वाले में, कभी सामने वाले में, रोज़ाना की बुनियाद पर हुआ करता था। तो इस लीमू की मदद से माशाल्लाह से वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियोस पसंद आती होंगी, अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि किसी और भाई का भी फ़ायदा हो सके, और मेरी वीडियोस टाइम टू टाइम हासिल करने के लिए जैसे मैं अपलोड करूँगा इंशाल्लाह आपके पास वीडियो पहुँचेगी। उसके लिए आपने करना क्या है, सिंपल सी बात है, आपने घंटी का बटन प्रेस करना है, आल पर क्लिक कर देना है, ताकि मेरे तमाम वीडियो आपको वक्त से पहले मिलती रहें, वक्त पर मिलती रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।